रहा है यहाँ से जाने का, साथ में फैमिली प्लानिंग, डेंटल सेक्शन, एक्सरे सेक्शन, और देखिए बायोकेमिकल जो ऐसे ही ओपनली डंप किया हुआ है ये। अब देखिए इससे ये होगा कि ये पेशेंट ठीक होंगे या और ज़्यादा बीमार होंगे, साथ में घर भी है, पीछे मेडिकल शॉप भी है, और फक्तर फवक्तर यहाँ से पेशेंट का आना जाना लगा रहता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन तो कुछ कर नहीं पा रही है, इट इज़ माई हम्बल हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो टोटली बिल्कुल फेल हो चुकी है। इसको ये अच्छे से वो कहीं पर भी डंप नहीं कर पा रहे जैसे सिस्टमैटिक मेडिकल में तरीका होता है। तो मेरी हेल्थ डायरेक्टर से ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो इसको देखें और उसमें एडमिनिस्ट्रेशन को पूछें कि ये इसका ये क्या करके रखा हुआ है। अब पेशेंट यहाँ पर ट्रीटमेंट कराने आएंगे या कि वो और ज़्यादा बीमार होने के लिए आएंगे? ठीक हो रखी हुई है अवार्ड्स में हर जगह, और चार किस्म के डस्टबिन हैं, जिसमें वाइट है, रेड, येलो एंड ब्लैक। और एडवाइजरी में ये है कि जो भी जो डस्टबिन हैं उनमें कलर कोडेड, सेम टाइप के कलर कोडेड जो है वो बैग डाले हुए हैं। और जैसे वाइट डस्टबिन जो हमारा है उसमें जो भी इंजेक्शन लगते हैं आप कटर के बाद सिरिंजेस वगैरह जो नीडल्स कटती हैं वो उसमें हम सेग्रेशन करते हैं, और छोटी माइक्रोक्लोराइड से उसको वो नहीं है जो टोटल स्टॉप हो गया है। जैसे मैंने आपको बताया है कि वाइट में क्या डबरियर पिट बनाते हैं, एक खड्डा बनाते हैं बहुत बड़ा, उसमें बर्जिल करते हैं। तो जो हैजर्ड्स मटेरियल है, जो भी हैजर्ड मटेरियल है जो खतरनाक है फॉर पब्लिक, उसको हम यहाँ से ट्रांसपोर्ट के लिए डिस्पोज ऑफ करने के लिए हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट है कंपनी से, वो लेकर है। किसी को टच करने से, किसी की सिंह को टच करने से या कोई चीज़ को इंफेक्शन हो सकती है, और तो कुछ नहीं है जो बॉटल या ये तो ऐसा हमारी जीप वाली कुछ होती है उसमें रख के उसको बिल्कुल मिट्टी से दबा देते हैं, अंडरग्राउंड कर देते हैं। थैंक यू।